तो दोस्तों आज की जो वैकेंसी है ये है एक्वा ग्रुप में। एक्वा ग्रुप बहुत ही अच्छा है दोस्तों। एक्वा ग्रीन का आपने पानी भी पिया होगा। इसकी जो जैसे बिस्लेरी का ब्रांड है ऐसे ही एक्वा ग्रीन भी एक ब्रांड है। आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा और आपने 100% है कि कभी ना कभी एक्वा ग्रीन का पानी पिया ही होगा। तो दोस्तों ये इसमें सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल ईसी सीएस आईटी ऑल ब्रांचेज एलिजिबल है। फ्रेशर्स एंड एक्सपीरियंस दोनों ही एलिजिबल है। इसके लिए कोई एग्जाम नहीं होना है, कोई फीस नहीं है। ऑल इंडिया जॉब है दोस्तों, परमानेंट जॉब रहने वाली है। ज़्यादा मैं आपको डीपली बताता हूँ दोस्तों कैसे कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करूँगा क्योंकि आज मेरी तबीयत थोड़ी डाउन है। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसे ही आप एक्वाग्रीन इंजीनियरिंग मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड देखेंगे तो दोस्तों ये भी जैसे कि मैंने बोला ही है कि मेरा मैक्सिमम क्या रहता है कि बड़ी कंपनियों में तो ये भी 1000 करोड़ से ऊपर की कंपनी है। तो दोस्तों इसको आप डायरेक्टली इसकी वेबसाइट पे अगर चलते हैं, इसकी डायरेक्ट वेबसाइट पर जाके देखते हैं तो आपने नॉर्मली मैं आपको जैसे बता ही रहा हूँ कि इतना बड़ा ग्रुप है ये। और खाली एक्वाग्रीन का पानी वानी नहीं दोस्तों, अलग अलग सेक्टर्स में वर्क करता है। ये इंडस्ट्री में करता है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर में करता है, ये थर्मल में करता है, ये पावर सेक्टर में बहुत अलग अलग मतलब हाइड्रो प्रोजेक्ट्स में भी वर्क करता है। ये इलेक्ट्रिक का दोस्तों इसकी ट्रांसमिशन लाइन में भी बहुत मतलब अलग अलग वर्क में इसका बहुत बड़ा नाम है एक्वा ग्रीन। आप एक बार गूगल करेंगे तो आपको दिख जाएगा। तो दोस्तों इसके डायरेक्टली कैरियर पोर्टल पे चलते हैं। इसका जो लास्ट टर्नओवर रहा है दोस्तों वो 4500 करोड़ रुपए रहा है। तो बहुत अच्छे में अपने आप में एक अमाउंट है। तो दोस्तों ये आप अलग अलग देखेंगे, अलग अलग वैकेंसी है जैसे इंजीनियरिंग अप टू द एडिशनल मैनेजर। अगर कोई भी जैसे सिविल से रिलेटेड है और अगर वो एक्सपीरियंस वाला है मतलब 1 से लेकर 2 से 20 साल तक का एक्सपीरियंस है तो वो यहाँ अप्लाई कर सकता है। ये डेजिग्नेशन इंजीनियर अप टू द, तो इन्होंने पर्टिकुलर कोई बीई बीटेक बायोफ्रिगेट करके नहीं दिया है। इसमें डिप्लोमा वाले भी आप एलिजिबल हैं। ऐसी ब्रिज डिजाइन इंजीनियर है दोस्तों, इसमें बीई बीटेक है। ऐसी ये सिविल जो इन्होंने वैकेंसीज निकाली है, सिविल मैनेजर है, जनरल मैनेजर है। तो लेकिन दोस्तों ये जो है ये आप देखेंगे ये जो इन्होंने निकाला है ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग शुड बी एनी ग्रेजुएट फ्रेशर्स एक्सपीरियंस बिल्कुल फ्रेशर इन्हें चाहिए। तो दोस्तों मैं उसी भी हाफ मैंने बोला है कि अगर आप फ्रेशर हैं तो आप इस पे जरूर अप्लाई करें। और ये किसी भी ब्रांच से मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया ही है किसी भी ब्रांच से आप हैं इसमें आप एलिजिबल हैं। तो दोस्तों आपको करना क्या होगा उसके लिए भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए दो तरीके हैं अप्लाई करने के। कुछ मेरे भाई हैं वो वीडियो पूरा देखते नहीं है और उसके बाद उनकी क्वेरीज बहुत रहती हैं। तो आप मैं यही बोल रहा हूँ कि आप प्लीज़ वीडियो पूरा देख लीजिए, अगर उसके बाद भी आपकी कोई क्वेरी रहती है तब आप जो अच्छा लगे वो बोलिएगा। दोस्तों ये जो है आपके आपको क्या लिखना है, योर नेम, योर ईमेल एड्रेस, योर नंबर, योर मैसेज और सीवी। अब आप मेरी बात सुनिए दोस्तों, नेम में आपका नाम आ जाएगा दोस्तों, ईमेल में आपका नाम आ जाएगा, योर नंबर में आपका नाम, मैसेज में आपको जो टाइप करना है वो टाइप करना है कवर लेटर। कवर लेटर वैसे मैक्सिमम आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा और जो पुराने बंदे हैं उनके पास तो ऑलरेडी हो गई। या अपलोड रिज्यूम का ऑप्शन है, या रिज्यूम अपलोड करके सेंड कर दीजिएगा। बट आप पूरा सुन लीजिए, क्या होता है कि बहुत बार ये वेबसाइट क्या दोस्तों आप इतना सारा ट्रैफिक होता है तो एक साथ ये मतलब वर्क नहीं करती है, डेड साइट भी में भी चली जाती है। तो आप क्या कीजिए उस टाइम पे दोस्तों, बहुत टाइम पे क्या होता है जैसे कल भी मैंने फॉर्म दिया है तो कल भी जो मैंने फॉर्म सबमिट किया है उसमें भी बड़ी ही प्रॉब्लम रही है बंदों को। तो उसी का मैं सॉल्यूशन बता रहा हूँ दोस्तों। अगर आपका फॉर्म यहाँ सबमिट ना हो, कुछ भी एरर बता सकता है मैं मानता हूँ क्योंकि हो जाता है दोस्तों, उसके लिए क्या करना है आपको, आपको जो है अपना मेल टाइप करके मेल में उनको सीवी भेज देना। जैसे इन्होंने डायरेक्टली लिख रखा है अगर हमारी मेल आईडी नहीं वो अप्लाई नहीं हो रहा है तो आप hr@aquagreen.in पे भेज देना है या consultancy.hrd0@gmail.com पे भेज देना है। दोस्तों एक और चीज़ मैं बोल देता हूँ, एक कोई भी कंपनी आपसे अगर पैसे की डिमांड करती है तो आप भूल जाइए कि वो आपको जॉब देगी। तो इसलिए अब आपको डायरेक्टली बोल रहा हूँ कि कोई अगर कहीं भी आपको पैसा मांगा जाता है, क्योंकि हम बिल्कुल अगेंस्ट है पैसे के। तो दोस्तों आपको क्या करना है, इस पे HR@aquagreen पे आपको मेल लिखनी है। मेल आपको कैसे लिखनी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये इसको 2 में करना है, HR@aquagreen दोनों में। तो दोस्तों एक ही बारी में दोनों को भेज दीजिएगा, 2 में HR@aquagreen.in, ऐसी 2 में consultancy.hr.in दोनों को रख के उसके बाद सब्जेक्ट में लिखिएगा वैकेंसी फॉर द पोस्ट ऑफ जो भी आपकी डेजिग्नेशन है, GET ऑब्लिक में मतलब ब्रैकेट में आप इलेक्ट्रिकल से या सिविल से। उसके बाद दोस्तों आप कवर लेटर डालिएगा, डियर सर ये पूरा का पूरा जो भी आपका है ऐसे करके आप पूरा का पूरा डालिएगा। डालने के बाद आपको
अपना CV अटैच कीजिएगा और CV अटैच करके सेंड कर दीजिएगा। अब एक और बात दोस्तों, बहुत बंदे ये बोल रहे हैं कि रिस्पॉन्स नहीं आता, रिस्पॉन्स नहीं आता। दोस्तों मैं कभी भी कोई भी वैकेंसी अगर लाता हूँ तो वो मैं आपको रिटर्न में अगर पैराग्राफ चला के नहीं देता कि हाँ आप मेल कर दो, यहाँ से जॉब मिल जाएगी। जितनी भी वैकेंसी होती है वो कंपनी के वेबसाइट पर होती है। अगर कंपनी की वेबसाइट पर हम फॉर्म फिलअप आप कर ही सकते हैं, मैं आपके लिए वैकेंसी ला सकता हूँ, आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। आप ट्रस्ट कीजिए कि अभी कोविड के बाद बहुत, आपको भी पता है कि अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है और जिस वजह से कोविड के बाद अभी सिचुएशन अभी नॉर्मल होना चालू हुई है, तो जॉब मिलेगी, सबको मिलेगी, बस थोड़ा वेट कीजिए। और गॉड ब्लेस यू एंड ऑल द बेस्ट। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर चैनल पर नए हैं तो अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और आप टेलीग्राम चैनल पर मेरे को फॉलो कर सकते हैं।